हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी जेई सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि आप बेहतर तैयारी के लिए सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश में वन लाइनर नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपके एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी जेई, झारखंड जेई, ऑल मेट्रो जेई प्लस आपके 40 अलग अलग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। आई होप इनसे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्नोसम इज, यानी स्नोसम क्या है? ऑप्शन आपको दिए हैं, पाउडर्ड लाइम है, चाक पाउडर है, एक कलर सीमेंट है, या फिर मिक्सर है चाक पाउडर और लाइम का। तो स्नोसम है एक रंगीन सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड? ऑप्शन दिए हैं और पूछा है, निम्न में से कौन सी लकड़ी सबसे ज्यादा कठोर होती है? सागौन, शीशम, बबूल या फिर चीर। सबसे ज़्यादा कठोर लकड़ी होती है शीशम की, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर शीशम और बबूल से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। शीशम की लकड़ी का रंग जो है गहरा बादामी होता है। ये एक मजबूत, भारी, टिकाऊ और चिकनी रेशे वाली लकड़ी होती है। ये एक हाई क्वालिटी की लकड़ी होती है। अगर बात करें इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो वो होती है 90 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें जलांश 12% होता है और इसका भार 800 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। और जो आपकी बबूल की लकड़ी होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 120 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, जलांश होता है 12% और इसका यूनिट वेट 880 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट? निम्न में से किसमें कम इकाई भार होता है? सैंडस्टोन, यानी बलुआ पत्थर में, ग्रेनाइट में, मार्बल में या फिर बेसाल्ट में। सबसे कम यूनिट वेट होता है सैंडस्टोन में, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, यानी कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड मिटाने पर वो किस रूप में कार्य करता है? एयर इंट्रेनिंग एजेंट, यानी वायुग्राही कारक के रूप में, प्लास्टिसाइजर के रूप में, मंदक के रूप में या फिर त्वरक के रूप में। अगर कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो वो काम करता है त्वरक के रूप में, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कैरिड आउट टू रिमूव, पानी का, पीने का जो पानी होता है उसका विसंक्रमण इनमें से किसे हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए हैं, गंदलापन को दूर करने के लिए, कठोरता को हटाने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए या फिर फ्लोराइड को हटाने के लिए।
पीने के पानी का भी संक्रमण किया जाता है रोगाणुओं को मारने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से। ए सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम टू। जल शक्ति योजनाओं के लिए सर्ज टैंक किस लिए उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर यानी जलाघात दबाव को कम करने के लिए, या रिड्यूस फ्रिक्शनल लॉस घर्षण हानियों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है आपका, इंक्रीज द नेट हेड को बढ़ाने के लिए, या फिर पेन स्टोक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। हाइड्रो पावर स्कीम में सर्ज टैंक जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं वाटर हैमर का जो प्रेशर होता है उसे कम करने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन। सामान्यतः एस्बेस्टस चादरों के साथ छत कैची कोण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं आपको, 26 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 40 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। एस्बेस्टस चादरों के लिए एंगल ऑफ रूफ ट्रस जो है वो 30 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और इसके साथ कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जस्ता चादरों के लिए लगभग 26, स्लेट के लिए 35 डिग्री, और जो आपकी छत टाइलें होती हैं उनके लिए 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है सर्वे इंजीनियरिंग से। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज कॉल्ड। साहुल लाइन से नॉर्मल लाइन कहलाती है, लेवल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या फिर डेटम लाइन कहते हैं। तो आपकी साहुल लाइन से नॉर्मल लाइन जो होती है वो आपकी कहलाती है लेवल लाइन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज। जो क्ले पार्टिकल होते हैं उनका मैक्सिमम साइज क्या होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज। डार्सी का नियम लागू होता है केवल यदि बहाव कैसा हो, टर्बुलेंट हो, ड्यू टू वाटर पानी की वजह से हो, लेमिनार यानी स्तरी हो, या इंटरमिटेंट यानी विरामी हो। तो डार्सी का नियम लागू होता है अगर आपका बहाव हो लेमिनार। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। सॉइल का जो कंपैक्शन होता है इनमें से किसके अनुसार मापा जाता है, ड्राई डेंसिटी के अनुसार, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अनुसार, कंप्रेसिबिलिटी के अनुसार, या फिर परमेबिलिटी के अनुसार। सॉइल का जो कंपैक्शन होता है वो मापा जाता है ड्राई डेंसिटी के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। मृदा का रिक्तता आयतन तथा कुल आयतन का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, पोरोसिटी कहते हैं, वॉइड रेशियो कहते हैं,
डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं या मास डेंसिटी कहते हैं, तो इसे कहते हैं पोरोसिटी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने बिहार जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।